हम आज पाइनएप्पल केक बनाएंगे। उसके लिए हमने पाइनएप्पल स्पॉन्ज लिया है, ये 2 kg का पाइनएप्पल स्पॉन्ज है स्क्वायर। अब हम इसको कट करके लेंगे। कट करके लिया है और हम इसकी आइसिंग करेंगे। अब हम शुगर सिरप से स्पॉन्ज को मॉइस्ट करके लेंगे, अच्छी तरह से इसको भिगोएंगे। इसे अच्छे से अप्लाई करके लेंगे। इसे हमने इवनली अप्लाई करना है वरना केक ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। पाइनएप्पल सिरप भी होगा तो चलेगा। अगर आपके पास पाइनएप्पल के स्लाइसेस है वो फ्रेश स्लाइसेस या फ्रोजन जो मिलते हैं उसको भी आप थोड़ा सा स्क्वैश करके डाल सकते हैं। देखिए इस टाइप के मिलते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा तोड़ के अब इसके भी क्वेश्चन ऐसा टुकड़े टुकड़े डाल सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हमने सेकंड लेयर अप्लाई करके लिए है, सेकंड लेयर डाले हैं, इसे भी मॉइस्ट करके लेंगे। शुगर सिरप से भी मॉइस्ट कर सकते हो या आप कंडेंस मिल्क से कर सकते हो। जहां जहां आपको क्रीम कम लग रहा है वहां से बस क्रीम से कवर कर दीजिए। ठीक है सर, लेवल में देख लीजिए। पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। अब हम तीसरी लेयर ऐड करेंगे। हमने थर्ड लेयर अप्लाई करके ली है, उसमें शुगर सिरप, आइसिंग, ये फाइनल आइसिंग है। इसको हम केक को पूरी तरह से व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लेंगे। हमने केक को नीट करके लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, बाद में इसकी आइसिंग करेंगे। अब हमने केक थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, 20 मिनट्स के बाद में इसको निकाला है। मैंने पाइपिंग बैग में आइसिंग क्रीम भर के लिया है, देखिए व्हिपिंग क्रीम, ये नोजल डाला है। आपके अकॉर्डिंग आप कौन सा भी नोजल ले सकते हो। इसको पूरा ऐसे बॉर्डर बना के लेंगे। लिया है, देखिए
इसे थोड़ी सी डिजाइन बनाएंगे। अब मैं व्हिपिंग क्रीम भर के लेती हूँ व्हाइटिंग बैग में। और एक छोटी सी बॉर्डर अंदर से लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पाइन एप्पल स्लाइस थे उसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। जो ऐसे पाइन एप्पल स्लाइसेस थे ना उसको हम ऐसे बीच बीच में इसका फ्लेवर बहुत फ्रेश होता है। अगर आप फ्रेश फ्रूट भी यूज कर रहे हो तो भी चलेगा, ये वैसे फ्रोजन है। अगर आपको फ्रेश पाइन एप्पल आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज कीजिए। थोड़े स्प्रिंकल्स लेंगे। थोड़े से हम ऊपर से स्प्रिंकल्स डालेंगे। बहुत अच्छा लुक आता है। एक्चुअली मेरी आइसिंग हुई नहीं है पूरी। अब हम साइड में उसी नोजल से डिजाइन बनाऊंगी। आपके मन से आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप पहले नोजल सेलेक्ट कीजिए, बाद में डिजाइन इमेजिन कीजिए, या यूट्यूब पे तो बहुत सारे डिजाइन हमको मिल जाते हैं, आजकल अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़े स्प्रिंकल्स डालेंगे।
हमारा केक रेडी हो चुका है। देखिए आप जरूर ट्राई करना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।